Now next example based on string operations. इस केस में जस्ट टू एरे डिक्लेरेशन पार्ट किए, लेकिन एरे का टाइप क्या है इस केस में, जस्ट कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे के केस में कैरेक्टर एरे के एलिमेंट को इनिशियलाइज कैसे किया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। स्पेशली याद रखना जस्ट इन केस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स आर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। लेकिन स्ट्रिंग नल से टर्मिनेट कब होंगे, जब आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स के थ्रू इनिशियलाइज करो। लेकिन इस केस में एरे का इनिशियलाइजेशन किस फॉर्म हुआ, बाय यूजिंग सिंगल कोट प्लस एरे का कोई भी साइज पॉइंट। इस केस में एरे का साइज क्या है, नंबर ऑफ इक्वलेंट टू नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड एलिमेंट। तो फाइनली फर्स्ट केस में जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एक एरे क्रिएट होगा S1 के रिस्पेक्ट में। अगर बात करें तो S1 के लिए टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, एग्जैक्टली 4 बाइट्स। अगर सेम प्रोग्राम या सेम डायग्राम स्टैक के फॉर्म में क्रिएट कराएंगे, देन स्टैक के अंदर 1-1 बाइट्स के ब्लॉक्स क्रिएट कराएंगे जस्ट। फर्स्ट एरे के केस में बिगिनिंग एड्रेस एज्यूम करूंगा एरे 100, देन एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है 1 बाइट। नेक्स्ट प्लेस का एड्रेस क्या हो जाएगा, समथिंग 99, 98, 97, 6, 5, 4, 3, 2 and so on। क्लियर। सबसे पहले फर्स्ट एरे क्रिएट हुआ S1, S1 का एग्जैक्टली साइज क्या है 1, 2, 3, 4। तो S1 के लिए जस्ट कितने बाइट्स क्रिएट होंगे, एग्जैक्टली 4 बाइट्स। इस एरे का नेम क्या है S1, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ 0, 1, 2, 3। फर्स्ट प्लेस पर आसानी क्या हो रहा है, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, कैरेक्टर डी। लेकिन नल किसी प्लेस पर इनिशियलाइज हुआ है क्या, नहीं, जस्ट इसके प्लेस पर फाउंड क्या होंगे, जस्ट कंटिन्यूअस एलिमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद अगेन एक और एरे क्रिएट हुआ सेकंड केस में, एरे का नेम क्या है S2। फर्स्ट एरे के केस में S1 के केस में इसका बेस एड्रेस क्या है 97, S2 का भी साइज क्या है, S2 के अंदर भी ऑल्सो कितने एलिमेंट इनिशियलाइज हुए, जस्ट 4 एलिमेंट। तो सेम कंटिन्यूअस प्लेस पर एलोकेशन किसके लिए हुआ, S2 के लिए, ABCD। देन अगेन S2 भी नल से टर्मिनेट हुआ है क्या, नॉट। देन इस केस में इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3, एरे नेम इज S2। नेक्स्ट केस जस्ट परफॉर्म करा स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेशन। फर्स्ट केस में पास किया हुआ S1 एंड S2 बाय यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया strcmp। आपको पता होना चाहिए strcmp या लाइब्रेरी फंक्शन से रिटर्न क्या होता है, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग, इस केस में टोटल टू केस होंगे, अगर टू स्ट्रिंग से S1 और S2 है इस केस में, अगर S1 स्ट्रिंग के केस में किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू, अगर S2 के पर्टिकुलर इक्विवेलेंट कैरेक्टर के आस्की वैल्यू से अगर बड़ा है, यानी इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, सम पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा पॉसिबल केस क्या होगा, टू स्ट्रिंग्स में भी इक्वल, अगर दोनों स्ट्रिंग के अंदर एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स फाउंड होते हैं, इस केस में रिटर्न क्या होगा 0। अगर S1 के केस में S1 के कंटेंट्स S2 से छोटे फाउंड हो रहे हैं, देन इस केस में रिटर्न क्या होगा, सम नेगेटिव नंबर। तो फाइनली इस केस में S1 और S2 में कंपेरिजन परफॉर्म होगा, तो S1 और S2 के केस में फिजिकली देखा जाए तो कंटेंट्स कैसे हैं, सेम। लेकिन S1 के केस में जब कंपेरिजन स्टार्ट होगा, फर्स्ट वन S1 के केस में मीन S2 किस प्लेस से काउंट होगा, S1 काउंट होगा फ्रॉम 97 ऑनवर्ड्स अप टू नल। अब इस केस में नल के किस प्लेस पर फाउंड होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट में क्योंकि नल कहीं आपने मैनुअली इंसर्ट ही नहीं कराया, सपोज दैट किसी भी प्लेस पर गार्बेज वैल्यू क्या है, समथिंग 0, देन 0 कंसीडर होगा एज अ नल वैल्यू। क्लियर। वन मोर थिंग्स, और आप S1 के केस में स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करो, दे S1 का लेंथ क्या हुआ, ग्रेटर देन 4, और S2 का लेंथ क्या हुआ, ग्रेटर देन 8। स्पेशली याद रखना S2 का साइज क्या है 4, लेकिन लेंथ क्या हुआ, ग्रेटर देन 8, क्योंकि फोर्थ कैरेक्टर के बाद अगेन क्या फाउंड हो रहा है, A, विच इज नॉट नल। इसे मिनिमम लेंथ क्या हुआ इसका, अप टू 8। फाइनली इस केस में जब कंपेरिजन परफॉर्म हुआ, तो कंपेरिजन के रिस्पेक्ट में दोनों स्ट्रिंग के अंदर फिजिकली कंटेंट सेम है, लेकिन कंपेरिजन वाइज कंटेंट्स कैसे, सेम और डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स लाइक दैट। S1 के केस में जस्ट कंटेंट्स क्या फाउंड हो रहा है, S1 कंटेंट्स ABCD, देन जस्ट सम गार्बेज वैल्यू, इसके बाद क्या आएगा, किसी के लिए भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं। लेकिन S2 के केस में कंटेंट्स क्या फाउंड हो रहा है, S2 के केस में काउंट करेंगे फ्रॉम 93 ऑनवर्ड्स, क्या फाउंड हो रहा है, ABCD। किसी भी स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग के कंटेंट्स कंसीडर कब तक होंगे, अप टू ऑकरेंस ऑफ नल, देन डी के बाद अगेन क्या है, नल और ए, तो ए बी कंसीडर हो गया पार्ट ऑफ S2, अगेन ABCD, देन इसके बाद कंसीडर होगा सम गार्बेज वैल्यू एंड सो ऑन। तो फर्स्ट केस में कैरेक्टर्स कंपेयर होंगे क्या आएगा, ट्रू, देन इसके जस्ट बाद ए और गार्बेज के रिस्पेक्ट में गार्बेज वैल्यू क्या है, कैन नॉट से, मे बी 0, मे बी नॉन 0। तो इस केस में जस्ट मीन्स रिजल्ट कभी ट्रू आने के चांसेस हैं क्या, नहीं, देन इस केस में क्या आएगा, सम मे बी पॉजिटिव इंटीजर, मे बी नेगेटिव इंटीजर,
इट कैन नॉट बी जीरो। इस केस में जस्ट आउटपुट ऑब्जर्व करना पॉसिबल मीन्स इस प्लेस पर क्या आएगा सम नॉन जीरो नंबर, अगर नॉन जीरो नंबर आएगा नॉन जीरो मीन्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू देन डिस्प्ले क्या हो जाए इक्वल, जबकि स्ट्रिंग रियल में इक्वल है क्या नहीं। इस केस में परफेक्ट वे कंपेरिजन का क्या हुआ, अगर इसका रिटर्न वैल्यू जीरो के इक्वल है, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो इस केस में रिटर्न क्या होगा इससे जीरो, अगर जीरो के इक्वल है देना बोल सकते हो स्ट्रिंग्स आर ट्रू। इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा जस्ट इस प्लेस पर क्या आएगा सब नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो को जीरो से कंपेयर कराओ तो क्या फॉल्स, फॉल्स के केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, जबकि प्रीवियस केस में क्या प्रिंट हो रहा है जस्ट इक्वल मैसेज।